हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपका जो लाइफ की जर्नी है अब आगे क्या लेके आ रही है आपके लिए, आपकी डेस्टिनी, आपका लाइफ पाथ जो है वो आगे कैसा रहने वाला है। सो ये रीडिंग होगी बेस्ड ऑन योर लाइफ पाथ नंबर, जो कि होते हैं फ्रॉम 1 to 9। वैसे मास्टर नंबर्स भी होते हैं, बट हम जो हैं आज सिर्फ कंसिडर करेंगे फ्रॉम 1 to 9। सो ये लाइफ पाथ नंबर जो आप निकालोगे, वो आप निकालोगे एडिंग ऑल द नंबर्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, पूरे इंक्लूडिंग योर डेट ऑफ बर्थ, योर मंथ एंड देन योर ईयर। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1986, सो हर चीज़ आपको ऐड करनी है। 11 प्लस मई का 5 एंड देन 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6, सो विच ब्रिंग्स टोटल टू 31, विच ब्रिंग्स टोटल टू 3 प्लस 1 4। सो आपका लाइफ पाथ नंबर है 4, तो आपको देखनी है रीडिंग बेस्ड ऑन द लाइफ पाथ नंबर 4। सो ऐसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की पूरी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल करके जो भी नंबर एंड में आ रहा है उसको आप चेंज करो इन सिंगल डिजिट एंड देन सी व्हाट इज़ योर लाइफ पाथ नंबर एंड चूज योर टाइम स्टैम्प्स अकॉर्डिंग टू योर लाइफ पाथ नंबर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग गाइस विथ द लाइफ पाथ नंबर 1। हाय गाइस, जिनका भी है लाइफ पाथ नंबर 1 कि आपकी टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो आ रहा है वो एंड में 1 आ रहा है हर चीज़ को ऐड करके, सो आपका लाइफ पाथ नंबर है 1। चलिए देखते हैं कि जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 1 है उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और आपकी आपका जो लाइफ पाथ है आगे कैसा रहेगा। सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू लाइफ पाथ नंबर 1 पीपल। सो वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द स्टार एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। लाइफ पाथ नंबर 1, आप इतनी टेंशन में क्यों हो अपनी लाइफ में, आप इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो अपनी ज़िंदगी को लेके? आई फील कि आपके लाइफ में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है और रात को आप ढंग से सो नहीं पाते हो, परेशान रहते हो, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी, डर, फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना या किसी की बातों को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखे रहना बहुत वक्त तक, और एक कंफ्यूजिंग सा एनवायरनमेंट है आपके अराउंड की, लाइक आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है या क्या चूज करूँ मैं, आपको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। एंड जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके ऊपर ओवर पावर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि लाइक लक इज़ नॉट फेवरिंग यू, दैट्स वाई यू आर बिकमिंग सो 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 नेगेटिव, सोशलाइज नहीं कर रहे हो और अपने अपने अंदर रह रहे हो और बेसिकली मेंटली ज़्यादा परेशान हो रहे हो इस टाइम। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं एक साथ और कंफ्यूज हो बिटवीन टू थिंग्स कि आपको क्या चूज करना चाहिए। सो बेसिकली आपका जो पर्सपेक्टिव है वो इस वक्त नेगेटिव है, राइट? सो बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमेशा ही ऐसा रहने वाला, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड आया आपके लिए वो ये बता रहा है कि थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, थिंग्स आर बिकमिंग पॉजिटिव फॉर यू इन द नियर फ्यूचर। अब जो फ्यूचर है वो आपके लिए लेके आ रहा है बहुत सारा लक, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा अबंडेंस। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपकी इस सिचुएशन को ऐसे चेंज कर देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून के इस तरफ है सब नेगेटिव और इस तरफ है सब कुछ पॉजिटिव। सो आपकी जो भी ये जो नेगेटिविटी है, सबसे पहले तो इसको ख़त्म करेगा व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो आपका लक आ रहा है आपकी, राइट, आपका जो लक है वो आपको फेवर करना शुरू कर देगा आने वाले टाइम में। एंड यू विल स्टार्ट टू फील कि हाँ, चीज़ें जो हैं अब मेरे हिसाब से हो रही हैं। स्पेशली जो मंथ रहेगा ऑफ अक्टूबर मंथ विल बी वेरी लकी फॉर यू। आई गेस कि इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी बहुत सारी विशेज जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। स्टार कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कार्ड आपके लिए विक्ट्री कार्ड आए हैं। स्टार कार्ड दिखा रहा है कि आपकी कोई मेजर विश है जिसके लिए आप परेशान हो इस टाइम, वो आपकी पूरी होने वाली है आने वाले टाइम में। सो आप टेंशन मत लो, राइट? और अगर आप कंफ्यूज हो अपने लाइफ पाथ के बारे में, आप कंफ्यूज हो अपनी जर्नी के बारे में आगे लाइफ में, तो कंफ्यूज मत रहो बिकॉज थिंग्स आर एक्चुअली बिकमिंग पॉजिटिव फॉर यू इन द नियर फ्यूचर। 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है मैरिज को, विक्ट्री को। सो अगर आप परेशान हो अपनी शादी को लेके, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आप सिंगल हो रहे हो, वेटिंग की कोई अच्छा पार्टनर आए आपकी लाइफ में, तो आपकी वो विश भी पूरी होने वाली है। यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, ओके? सो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है आने वाले टाइम में। आपका जो है कोई बड़ा काम बन सकता है आने वाले टाइम में। एंड कहीं ना कहीं लाइक इट्स लाइक अ बिग स्ट्रोक ऑफ लक।
सो आई फील कि कोई एग्जाम में सिलेक्शन हो जाना, कोई कुछ जॉब लग जाना सडनली, राइट, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपके सामने आपको चीज़ों मिल जाना. सो इट्स लाइक कि वेरी पॉजिटिव कार्ड्स आर देयर फॉर यू, ग्रुप नंबर वन. एंड यहाँ पे जो है, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी शादी भी हो रही है उस पर्सन के साथ. ओके सो और आपके रिलेशनशिप की कारण अगर आप परेशान हो, नेगेटिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा, कि आपका जो मैरिज है या जो आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको घुटन फील हो रही है, नेगेटिव फील हो रहा है, अकेला फील हो रहा है, कन्फ्यूज हो, तो सिचुएशंस जो हैं वो चेंज होंगी, राइट. और आपका और आपके पार्टनर की जो बॉन्डिंग है, जो प्यार है, वो फिर से जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है. प्लस जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ख़त्म होंगी. जो जो भी चीज़ें जिस तरह से भी आप चाह रहे हो ना, आप आपके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो होनी स्टार्ट हो जाएंगी. ओके एंड इट्स ऑल्सो अबाउट अ गुड लक, इट्स ऑल्सो अबाउट विश फुलफिलमेंट, की कोई बड़ी विश आपकी पूरी हो रही है रिगार्डिंग सम लाइक यू नो करियर ग्रोथ और रिगार्डिंग सम विक्ट्री, जहाँ पे पीपल विल कॉन्ग्रेचुलेट यू, पीपल विल बी लाइक सो हैप्पी फॉर यू, योर फैमिली विल बी हैप्पी फॉर यू. ओके सो इट्स लाइक अ बिग विक्ट्री इज कमिंग फॉर यू इन करियर ऑल्सो, एंड इट्स लाइक अ न्यू जॉब इज मैनिफेस्टिंग, अ एग्जाम रिजल्ट और न्यू करियर. सो जहाँ भी आप हार्ट डालोगे ना, वहाँ पे यू विल फील दैट येस आई एम लक्की. ओके सो इट्स ऑल अबाउट कि बहुत सारा लक, अबंडेंस और विश फुलफिलमेंट आ रहा है आपके लिए आगे, ग्रुप नंबर वन. यहाँ से और देख लेते हैं कि लाइफ पाथ नंबर वन लोगों के लिए जो है क्या आ रहा है आगे. वी हैव एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू. आई गेस कि अभी आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको इतना नहीं मिल रहा है, बट यू नीड देयर सपोर्ट सो मच. बट एंड यू आर क्रेविंग फॉर कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे. यू आर क्रेविंग बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, तो आप रह नहीं सकते हो रिश्तों के बिना, रिलेशनशिप के बिना, राइट. तो ये चीज़ जो है वो आपको इन द नियर फ्यूचर मिलेगी, सपोर्ट, लव, केयर, ये सब कुछ मिलेगा आपको. गुड लक, यस, बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आया है गुड लक का कार्ड. तो यस, गुड लक, लकी लकी, यू विल फील दैट आई एम वेरी लकी. काम जो है फटाफट बन जाएंगे आपके. सो आप खुद बोलो कि यार मैं तो बड़ा लकी हूँ कि मेरा काम बन गया, राइट. तो इट्स लाइक अ वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक इज कमिंग फॉर यू. देन वी हैव श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस. सो आई फील कि थोड़ा सा आपको मेंटली वीक स्टेट से बाहर निकल के, थोड़ा सा जो आपका माइंड है, यू शुड बिकम लिटिल बिट ऑफ नो स्मार्ट, वो बनना पड़ेगा. इट्स लाइक फॉक्स, राइट. तो आप इस तरह से रह के अपनी लाइफ जी नहीं सकते हो. यू हैव टू बिकम लाइक मेंटली स्ट्रांग एंड स्मार्ट. तो वो जो है चीज़ें, वो जो कला है, वो जो एक तरीका है, वो आपको आएगा इन द नियर फ्यूचर, आपको समझ में आएगा. वो मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, दिस इज़ वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ, दैट यू आर अनक्लियर, यू आर कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ लाइफ में, ये थिंकिंग है अभी ख़त्म होने वाली है आगे जाके. देन वी हैव इनडिसिजिवनेस, अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली. यस, यू आर लाइक विदाउट एम, कोई एम नहीं है लाइफ में, तो आप बोल रहे हो कि मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है लाइफ में, मुझे करना क्या. आप कन्फ्यूज हो इस टाइम. सो यू नो ये कन्फ्यूजन जो है आपका मिटने वाला है आने वाले टाइम में. अभी जो है आपकी लाइफ में कोई एम, कोई गोल नहीं है, बट आने वाले टाइम में आपको डिवाइन इन वंडरफुल वे आपको अपना एम जो है वो याद दिलाएंगे, आपको बताएंगे, आपको उससे अलाइन करवाएंगे. एडवाइस देख लेते हैं फॉर द लाइफ पाथ नंबर वन पीपल. वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. सो चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर गेट दिस प्राइड, एटीट्यूड, ईगो, इसको अपने वाइब में कभी लाना मत, अदरवाइज इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन. तो आपको ये फीलिंग से जो है दूर रहना है. देन वी हैव टेक टाइम टू ब्रीद आउट. यस, थोड़ा ब्रीदिंग करो, थोड़ा सा यू नो रिलैक्स, चिल करना सीखो, बिकॉज अभी आप टेंशन में हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो. सो जस्ट ब्रीद आउट, एवरीथिंग विल बी फाइन. देन वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. जिस चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो इस टाइम, उस चीज़ का रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा. यू विल बी सक्सेसफुल, सो डोंट वरी, जस्ट कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, कीप विशिंग गुड लक फॉर यू. एंड आई फील एंड आई नो दैट बहुत सारी अबंडेंस है आपके लिए, आपका वेट करें इन द नियर फ्यूचर, ग्रुप नंबर वन. ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग लाइफ पाथ नंबर वन. आई होप यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय. हाय गाइज, ग्रुप नंबर टू, लाइफ पाथ नंबर टू पीपल, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है. वेयर इज योर लाइफ पाथ टेकिंग यू अहेड. सो लाइफ पाथ नंबर टू,
So we have Page of Swords, Ace of Swords, Seven of Wands, Nine of Wands, and then we have the Devil. आप अपना काम निकाल लोगे ग्रुप नंबर टू. आई फील कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग पर्सन जो होते हैं ना, आप उनमें से हो. आप अपना काम निकाल लोगे, राइट? आपको जो आपकी जो एक चीज़ जो नेगेटिव है ना, वो है द डेविल कार्ड जो आया आपके लिए. दिस इज़ लाइक कि यू आर या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो आप कुछ चीज़ों को लेकर, या फिर आप बहुत ज़्यादा व्हेन यू अचीव समथिंग आपके अंदर वो प्राउड आ जाता है कि यू नो आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट. तो ये वाली फीलिंग या कोई भी ऐसी नेगेटिव हैबिट जो आपके अंदर है, वो ही चीज़ जो है वो जो है आपको नेगेटिव कर सकती है. अदरवाइज व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ इज़ एक्चुअली वेरी करेक्ट, राइट? आप किसी चीज़ के ऊपर एक्चुअली में वर्क कर रहे हो इस टाइम. आप एक बिगनर लेवल पे हो और आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हो. आपका दिमाग चल रहा है उस चीज़ में, राइट? आप पैशनेट हो उस चीज़ को लेके. आप मेंटली क्लियर हो कि हाँ, मेरे को ये चीज़ करनी है लाइफ में, मेरे को ये चीज़ चाहिए. एंड आई फील कि जो भी आप काम कर रहे हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, आपको उस चीज़ का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो मिलने वाला है आने वाले टाइम में. स्पेशली नेक्स्ट वन मंथ आपको जो है इस चीज़ का एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है. क्लैरिटी या फिर कोई अवार्ड, रिवॉर्ड या कुछ ऑफर आपको मिलने वाला है रिगार्डिंग दैट, बिकॉज देयर इज अ क्राउन. सो समथिंग वेरी रिवॉर्डिंग इज कमिंग फॉर यू, राइट? और आप इस चीज़ के लिए ना लड़ जाओगे सबसे, दुनिया से भी, बिकॉज आप ना लाइक कॉन्फिडेंट हो कि चाहे मेरे को कोई भी रोके, मेरे को करनी यही चीज़ है, राइट? तो इट्स लाइक कि भले ही वर्ल्ड अगेंस्ट हो, बट यू आर स्टैंडिंग स्ट्रांगली कि येस आई विल डू इट, एंड देन यू विल डू इट. आप उसको अचीव कर लोगे. बट डोंट लेट दिस सक्सेस है जो आपकी लाइफ में जो आ रहा है, जो भी ये सिनेरियो, दिस टू बिकम नेगेटिव फॉर यू इन अ फॉर्म दैट कि आप ओवर ज़्यादा ही उसमें इंडल्ज हो जाओ. या फिर फॉर एग्जाम्पल दिस अ रिलेशनशिप अगर कोई है, क्या आप श्योर हो कि आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं, आपको ऑफर भी दे रहे हैं, और आप लड़ भी रहे हो सबसे इनके लिए, राइट? दैट इज़ फाइन, यू आर फाइटिंग फॉर योर लव, बट डोंट लेट दैट रिलेशनशिप बिकम रीजन ऑफ योर को डिपेंडेंसी, कि आप उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो रहे हो उस पार्टनर के ऊपर, कि आपकी कोई पहचान नहीं है अलग से, कि आप बस वो पर्सन जो बोले आप वो ही कर रहे हो, आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हो, आप उन पर 100% डिपेंडेंट हो रहे हो इमोशनली भी हर तरह से. सो इट बिकम्स टॉक्सिक, राइट? इट बिकम्स लाइक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप. तो आपको ऐसे नहीं करना है. तो ये एग्जाम्पल ऐसे रिलेशनशिप का, बाकी कुछ भी हो सकता है ये, राइट? कुछ भी नेगेटिव हैबिट आपको नहीं लानी है, नेगेटिव सोचना नहीं है आपको, राइट? आपको अपनी जो हैबिट्स हैं वो सही करनी है आने वाले टाइम में. अदरवाइज जो चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे हो इस टाइम, जो चीज़ें के लिए आप लड़ रहे हो इस टाइम, कहीं वो ही आपके लिए नेगेटिव ना हो जाए. ओके, सो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है. आप में फाइटिंग स्पिरिट है, आप में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, आप गिव अप करने वाले लोगों में से हो ही नहीं, आप मेंटली इतने स्ट्रांग लोग हो, राइट? आपको पता है, आपको क्लैरिटी है आपके दिमाग में. बट द ओनली थिंग दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू इज़ योर ओन नेगेटिविटी, और जो भी फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी है, चाहे वो कोई हैबिट ले लो, चाहे वो लोग ले लो, चाहे वो यू नो आपका कोई तरीका है ज़िंदगी जीने का वो ले लो, वो आपको दूर करना है अपनी ज़िंदगी से. अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स गुड फॉर यू इन द नियर फ्यूचर. ग्रुप नंबर टू यहाँ से वो देख लेते हैं. लाइफ पाथ नंबर टू लोगों के लिए आगे क्या आ रहा है. वी हैव प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स. जैसे आप बहुत कमाओगे, बिकॉज आप ना क्लियर हो मुझे ये करना है लाइफ में, तो आप कमा भी लोगे उस चीज़ से. तो आपके पास बहुत सारी मटीरियल चीज़ें आ रही हैं, पैसा आ रहा है, आप चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो अपनी लाइफ में. सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स. जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उसका आउटकम आपको सक्सेसफुल ही मिलेगा. उसका आउटकम जो रहेगा ना, वो आपके फेवर में ही आएगा, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं जाने वाला. सो आप अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकाल लोगे, आपको कोई ना रास्ता दिखा देंगे डिवाइन आगे जाके. देन वी हैव म्यूल. समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज. आई गेस दैट्स यू, बिकॉज ये जो डेविल कार्ड आया है वो आपके लिए आया है. तो आई थिंक आप में एक स्टबर्ननेस है, एक चेंज नहीं करना अपने आप को. माई वे इज द हाई वे, राइट? दैट्स फाइन दैट यू आर फाइटिंग, दैट्स फाइन दैट यू आर क्लियर अबाउट योर गोल्स, बट समटाइम्स यू नो चेंज इज गुड, समटाइम्स एडजस्टमेंट इज गुड. तो जहाँ यू फील कि हाँ एडजस्ट करना सही है, जहाँ यू फील कि ओके, चाहे फैमिली में हो, चाहे यू नो आफ्टर मैरिज, जहाँ यू फील कि ओके दैट्स फाइन, तो देर यू कैन डू.
इतना स्टबर्न भी इट्स नॉट गुड, बट जहां यू फील कि आपके साथ गलत हो रहा है वहां स्टैंड लो अपने लिए, राइट? बट समटाइम्स यू फील कि हाँ ठीक है एडजस्ट करके आई कैन अवॉइड मैनी कॉन्फ्लिक्ट, तो वहां एडजस्ट कर लो. सो ये स्टबर्ननेस आपको छोड़नी पड़ेगी. देन वी हैव सम वन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ. इफ यू गाइज आर सिंगल, तो समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ हु विल फाइट फॉर यू, हु विल बी देयर फॉर यू, राइट? और दिस कैन बी अ न्यू जॉब ऑल्सो, अ न्यू करियर, या फिर एक कोई नया पर्सन जस्ट एज अ हेल्प आपकी लाइफ में आ रहा है, बट दिस पर्सन विल हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन यू. देन वी हैव टॉट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. सो ये जो डेविल है, ये जो अंधेरा है, इसको अगर कोई मिटा सकता तो वो है ये मशाल. ये मशाल जो है ये, दिस इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दिस इज डिवाइन. तो आप जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे इस फेज ऑफ लाइफ में और हमेशा भी, पर स्पेशली इस फेज में, उतना ही आप डेवलप करोगे स्पिरिचुअली भी. आप एनलाइटनमेंट होगा आपका, और आप अपने आप से इस डेविल एनर्जी को दूर रखोगे, तो ये डेविल एनर्जी जो है ये आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी. इफ यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी ऑन डेली बेसिस, आपका जो दिमाग है वो ओपन रहेगा. यू विल अंडरस्टैंड रॉन्ग एंड राइट. लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू लाइफ पाथ नंबर टू पीपल. एक कार्ड खुला है आपके लिए, टेक टाइम टू ब्रीद आउट. आई गेस आपके लिए इस टाइम पे इट्स गुड टू डू मेडिटेशन. देन डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. यस, ये प्राइड, स्टबर्ननेस, इस तरह के इमोशंस जो है आपको नहीं लाने हैं अपने इमेज में, अपनी पर्सनालिटी में, अदरवाइज दे विल बिकम डेविल फॉर यू. देन वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस. समथिंग पावरफुल चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ विच विल बी इन योर फेवर. एंड सरेंडर टू द डिवाइन. बाकी चीज़ें सरेंडर कर दो डिवाइन पे. जो कंट्रोल में है आपके वो कंट्रोल करो, जो नहीं है वो सरेंडर कर दो. एंड यू विल सी कि हाउ पॉजिटिवली योर लाइफ इज चेंजिंग अहेड. ओके, सो ग्रुप नंबर टू ये है आपकी रीडिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर. हाय गाइस, लाइफ पाथ नंबर थ्री. तो जिनका भी लाइफ पाथ नंबर है तीन, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है. वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स. सो गाइज, ग्रुप नंबर थ्री, आई फील कि आप किसी रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से परेशान चल रहे हो, और यू आर सैड बिकॉज ऑफ योर मैरिज. ओके, कुछ भी हो सकता है ये. इट्स लाइक कि यू फील दैट आपके रिलेशनशिप की वजह से ना थोड़े से परेशान हो जाते हो. ये नहीं कि आपके पार्टनर आपको परेशान कर रहे हैं, बट समहाउ आई फील दैट कि आप खुश हो अपने पार्टनर के साथ, राइट? चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, यू आर हैप्पी विथ योर पार्टनर. बट देन यू फील दैट कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये नज़र लग जाती है, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसा हो जाता है बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन और बिकॉज ऑफ एनीथिंग, राइट? एंड जो भी ये हैप्पीनेस है ना, ये चेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी. तो आप उदास हो जाते हो. मे बी ये पार्टनर या तो आपको इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर ये पार्टनर कमिट नहीं कर रहे हैं आपसे, इफ यू गाइज आर नॉट मैरिड, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा रीजन है जिस वजह से ना आपके अंदर एक डर है इस रिलेशनशिप के लिहाज से. डर है आपके अंदर किसी बात को ले लेके. सो यू फियर, आपको आपको नींद नहीं आती है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप. ओके, बट द थिंग इज कि ये जो डर है ना, इसको अगर आपको काबू करना है इस डर को, तो उसका तरीका यही है कि द स्पिरिचुअलिटी. हाई प्रीस्टेस कार्ड जो यहाँ पे आया है वो यही दिखा रहा है दैट टू बी वेरी वेरी स्पिरिचुअली एक्टिव एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन. मे बी कोई थर्ड पर्सन हो जो आपका ब्रेन वॉश कर रहा हो, मे बी आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स जो आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, ये वो हो सकते हैं कि ये सच नहीं है जो आप नेगेटिव सिनारियो सोच रहे हो कि आगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट दिस इज लाइक योर थिंकिंग इन योर माइंड. पर आप सोच सोच के उसको मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, राइट? तो हाई प्रीस्टेस इज हियर जस्ट टू टेल यू कि आने वाला टाइम जो है आपको थोड़ा पॉजिटिव बनाएगा, आपको होप देगा, प्लस आने वाला टाइम आपसे डिमांड करेगा कि आप अपना ध्यान लगाओ इन स्पिरिचुअलिटी, इन मेडिटेशन, एंड स्पेशली ट्रस्ट योर इंट्यूशन.
You have to listen to your intuition. ग्रुप नंबर थ्री, राइट? हाई प्रीस्टेस इज, शी इज वेरी स्पिरिचुअल. और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यू नो आपके रिलेशनशिप को नजर लग जाती है, इफ समथिंग, इफ यू स्पेंड गुड टाइम, तो आप फिर जो नेक्स्ट डे है लड़ाई हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. स्टॉप शेयरिंग योर रिलेशनशिप थिंग्स विथ अदर पीपल. मत बताओ कि आप कितने खुश हो, मत बताओ कि आपने क्या करा क्या नहीं करा. स्टॉप शेयरिंग, बी सीक्रेटिव अबाउट योर रिलेशनशिप, बी सीक्रेटिव अबाउट योर हैप्पीनेस. ओके, आई फील कि आने वाला टाइम में जो है ये पर्सन जो है आपको कमिट करने वाले हैं, आपको शादी का प्रपोजल देने वाले हैं, इफ़ यू गाइज आर नॉट मैरिड, और आपकी शादी होने वाली है इस पर्सन से. नहीं तो अगर आप परेशान हो ना इस बात को लेके कि पता नहीं ये पर्सन मेरे से शादी करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. ओके, सो आने वाला टाइम जो है ये पर्सन आ रहे हैं विद दिस प्रपोजल ऑफ नाइट ऑफ कप्स. प्रपोजल देंगे आपको और शादी भी करेंगे ये आपसे पर्सन, स्पेशली इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर आप शादी हो सकती है विद दिस पर्सन. एंड इफ़ यू गाइज आर मैरिड और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी मैरिड लाइफ में, तो स्टिल द सेम सोल्यूशन दैट यू विल बी सीक्रेटिव. आप सीक्रेटिव हो जाओगे आगे जाके. आप इतनी अपनी बातें जो शेयर नहीं करोगे विद एनी बडी, विद इन लॉज और विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स और एनी बडी, राइट? एंड यू विल बी मोर स्पिरिचुअल. आप अपने इस रिश्ते को बचा सकते हो, मतलब बुरी नज़र से, विथ स्पिरिचुअलिटी. एक जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो एक एज अ कवच एक्ट करेगा आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर, आपके अराउंड, कि कोई उस पर कुछ हार्म ना कर सके. एंड आई फील कि आपका जो मैरिज मैरिड बॉन्ड है ना, मैरिज का बॉन्ड है, वो और स्ट्रांग होने वाला है, और आपका जो प्यार है वो डीपन होने वाला है. आप जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं ज़िंदगी के, आप उन सब से जो है वो पार कर जाओगे और आप एक हो जाओगे, आप हमेशा के लिए एक रहोगे, और आपका आपके जो पार्टनर का जो लव है ना आपके लिए, वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, इम्प्रूव होने वाला है, और बहुत ज़्यादा वो प्यार जो है वो करेंगे आपसे आने वाले टाइम में और ज़्यादा. एंड आई गेस कि जो जोड़ के रख रहा है चीज़ों को वो है द हाई प्रीस्टेस, विच इज़ लाइक द स्पिरिचुअलिटी, द स्पिरिचुअल कनेक्शन, विच इज़ योर फेथ, योर पावर एंड योर इंट्यूशन. ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एंड डिवाइन कनेक्शन. एंड अगर इट्स नॉट अबाउट लव लाइफ, देन इट्स अबाउट कि कुछ सर्टेन हैप्पीनेस है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो. You want a certain happiness in your life, कोई wish है, कोई happiness है, you want that in your life, but at the same time आप परेशान हो कि आपको वो शायद नहीं मिलेगी. आप ज़्यादा रोते हो, आप अकेले में, आपके दिमाग में negative thoughts जो हैं वो आपको overpower कर लेते हैं, तो उस वजह से जो है आप थोड़े से you become in depression, in anxiety, right? But यू नो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है टू कनेक्ट विद द डिवाइन. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आएगा दैट यू विल बी ऑटोमेटिकली बी ड्रॉन ऑन दैट पाथ टूवर्ड्स डिवाइन. और कहीं ना कहीं ये जो पाथ है ये आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिव चेंजेस लाएगा. यू नो यू विल बिकम इंट्यूटिव, यू विल स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, यू विल फील दैट मैजिक इन योर लाइफ इज़ हैपनिंग. और जो भी आपका जो है सपना है रिगार्डिंग सम विश, रिगार्डिंग सम ड्रीम, ये जो है पूरा हो जाएगा. सडनली दिस अपॉर्चुनिटी विल कम इन योर लाइफ जिससे आप इतना वेट कर, जिसका आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए ना आपका दिल तड़प रहा है कि कब आएगी मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी, कब ये मुझे ये चांस मिलेगा. तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आ रही है इन योर लाइफ, एंड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स और इन नेक्स्ट 6 वीक्स ऑल्सो यू विल बी अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. आई फील बिकॉज अब 6 of Wands है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस. एवरीबडी इज़ क्लैपिंग फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं सब आपको. यू नो आप खुद अपने ऊपर इतना प्राउड फील कर रहे हो कि मैंने ये चीज़ अचीव करी है आफ्टर दिस लॉन्ग फेज ऑफ दिस डार्कनेस. ये चीज़ आपको मिल रही है, उसका सारा क्रेडिट जाता है डिवाइन को, क्योंकि वो आपकी लाइफ में ये मैजिक क्रिएट करेंगे. यहाँ से और देखते हैं लाइफ पाथ नंबर 3 के लिए मैसेजेस फॉर द फ्यूचर. वी हैव अ विश इज ग्रांटेड. वाओ, सिर्फ पहला ही कार्ड मैंने कहा था कि कोई विश है जो आपकी पूरी होने वाली है आने वाले टाइम में, और देखो और विश इज ग्रांटेड. विश आपकी पूरी होगी, टेंशन मत लो, जस्ट बिलीव इन द डिवाइन कि वो विश पूरी करेंगे. थिंक पॉजिटिव. अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड. यस, द टाइम राइट नाउ इज वेरी अनसेटल्ड. प्लानिंग करो और इस अंधेरे से बाहर निकलो. अपने आप को थोड़ी हिम्मत दो इस टाइम. इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल. अगर आपको एक गोल चाहिए अपनी लाइफ में, अपने एफर्ट बढ़ाओ. रो मत बैठ के, टेंशन मत लो, अपने एफर्ट बढ़ाओ. अपनी चाहे स्पिरिचुअल एफर्ट है, चाहे यू नो फिजिकल एफर्ट्स है, पर एफर्ट बढ़ाओ. देन बी अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. यस, बिग सक्सेस.
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस थ्रोन कार्ड, बिग सक्सेस, जहाँ पे आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, जहाँ पे यू विल फील कि यस आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ. देन डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट. इट्स ऑल अबाउट डायमंड रिंग की, कोई डायमंड रिंग, नो एंगेजमेंट, मैरिज, जैसे तो उनकी मैरिज फिक्स हो रही है आप लोगों में से बहुत लोगों की, मतलब अगर डायमंड रिंग मिल रही है आपको, या फिर इट्स ऑल अबाउट कि एक प्रेशियस गिफ्ट मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स आपको, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार है. बिकॉज नाइट ऑफ कप्स इज शोइंग दैट इट्स लाइक अ हार्ट फेल्ट विश, कि दिल से मांग रहे हो उस दुआ को आपकी, पूरी हो जाए आपकी. तो ये एक प्रेशियस गिफ्ट आपको यूनिवर्स दे रहे हैं. एडवाइस देखते हैं फॉर द ग्रुप नंबर 3. वी हैव द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. अब सब कुछ फटाफट होगा, कुछ भी डिलेज नहीं आएंगे आपकी लाइफ में. देन वी आर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट. यस आई टोल्ड यू मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट. हाई प्रीस्टेस, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिटेशन में आपको बहुत सारे आंसर्स जो है वो मिलेंगे और आप खुद का दिमाग शांत होगा आपका. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. यस, अपने इस एनर्जी से बाहर निकलो, इस डार्कनेस से बाहर निकलो. बी बोल्ड और एक फर्स्ट मूव लो अपनी लाइफ के लिए, खुद एफर्ट डालो सबसे पहले तो. ओके, सो ग्रुप नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर. हाय गाइस, लाइफ पाथ नंबर 4. चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या आ रहा है आपके लिए आगे आपकी लाइफ में. ओके, लाइफ पाथ नंबर 4, वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स एज द फर्स्ट कार्ड. Then we have King of Pentacles, we have Three of Wands, we have the Hangman, we have the Seven of Swords. Okay. आप किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हो उस टाइम, यू नो, आप एफर्ट लगा रहे हो, फाइट कर रहे हो, आप यू वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप. कॉम्पिटिशन बहुत है आपके अराउंड, मतलब आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप यू आर फीलिंग कि कॉम्पिटिशन बढ़ाए इस एग्जाम में, इस चीज़ में, इस जर्नी में. और यू वॉन्ट टू बिकम दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स. आपका जो ड्रीम है ना ओवरऑल, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना. फाइनेंशियली अबंडेंट, हम्बल, ग्राउंडेड, वो तो आप हो ही, बट फाइनेंशियली अबंडेंट कि आप हर चीज़ खरीद सको अपनी लाइफ में, एक लैविश लाइफ स्टाइल, एक रिस्पेक्ट, एक ड्रीम लाइफ जो आप जीना चाहते हो, ये आपका ड्रीम है किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना. और आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, फाइट मार रहे हो, लड़ रहे हो दुनिया से, अपनों से, राइट, अपने खुद के थॉट से, अपने एनवायरनमेंट से आप लड़ रहे हो. बट यू वांट दिस थिंग, ये इसके लिए आप मेंटली क्लियर हो दैट यू वांट दिस. बट कुछ ना कुछ डीले आपकी लाइफ में आते रहते हैं. हैंग मैन दिखा रहा है कि डीले, कुछ ना कुछ काम सोचते हो वो बनता नहीं है, उसमें कुछ डीले आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, राइट. एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग मैंने क्या हो रहा है लाइफ में, डिलेज क्यों आ रहे हैं इतने. एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी लाइफ से स्लिप होती जाती है. यू थिंक कि हाँ अब मेरा काम होने वाला है, बट उसी टाइम सडनली समथिंग हैपन्स कि या तो आपको चीट कर देता है, या फिर आपका काम जो है बनते बनते नहीं बनता, राइट. एग्जाम्पल की कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसमें आप एक पॉइंट से रह गए, तो इट्स लाइक कि बनते बनते काम नहीं बना. ड्रीम्स तो आपके बहुत बड़े हैं टू बिकम किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट. बट जो किस्मत है, बोल सकते हो किस्मत या फिर डेस्टिनी जो है, वो कभी कभी यू नो आपकी लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा डाल देती है. बट स्टिल आई फील विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स कि आप इस हर चीज़ से फ्री होकर एक नई जर्नी पर निकलने वाले हो. दिस जर्नी इज़ लाइक अ न्यू जर्नी. या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फॉरन ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो अपने घर से, एंड दिस जर्नी विल ओपन पाथ ऑफ दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स. तो कोई ऑफर आ रहा है आपको फाइनली कि भाई आ जाओ, ऑफ दिस जॉब ऑफर और समथिंग लाइक अ न्यू ऑफर ऑफ रीलोकेशन, और दिस इज अ न्यू पाथ. कि ये तो नया पाथ जो खुल रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का आपके लिए, ये जो पाथ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में. इस पाथ को ले लो और इस पाथ में आगे बढ़ जाओ, राइट. अगर आपको कहीं जॉब ऑफर आ रहा है तो जस्ट टेक इट, जस्ट गो, पैक योर बैग्स एंड गो, जस्ट डू इट. वो फर्स्ट स्टेप होगा आपके लिए टू बिकम दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स. कोई काम अगर आपका अटक रहा है इतने टाइम्स, तो अब जो वो काम है वो आगे बढ़ जाएगा. अब उसमें कोई भी डिलेज और हर्डल्स नहीं आएंगे. कोई आपका कुछ प्रॉपर्टी का काम है तो वो भी अब आगे हो जाएगा अच्छे से, राइट. कोई बिजनेस का काम होगा आपका अच्छे से हो जाएगा. तो प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, डिलेज जो है जितनी आने थी वो आ गई, बट नाउ इट्स लाइक कि अब जो है चीज़ें क्लियर होंगी आपके लिए. स्पेशली जो नेक्स्ट 3 मंथ्स रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, राइट. एंड
दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स पोजिशन ये आप फाइनली एंड में अचीव कर लोगे विथ योर हार्डवर्क विथ योर डेडिकेशन, बिकॉज आप में क्वालिटी है कि जब प्रॉब्लम्स कितनी भी आए आप गिव अप नहीं करते हो, आप ना मतलब लड़ लड़ के आप थक जाओगे लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे, आप इस तरह के पर्सन हो, तभी यूनिवर्स आपको ए न्यू बिगनिंग दे रहे हैं। बहुत ही जल्दी न्यू बिगनिंग आ रही है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में न्यू बिगनिंग आ रही है, एंड यू विल बी ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग दिस किंग ऑफ पेंटिकल, दिस फाइनेंशियली अबंडेंट पर्सन। ये आपका जो फ्यूचर है दिखा रहा है कि यू विल बी किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से देखते हैं लाइफ पाथ नंबर 4। वी हैव टेम्प्ररी सिचुएशन, यस ये जो प्रॉब्लम्स है टेम्प्ररी है, ये परमानेंट नहीं है। सो टेम्प्ररी सिचुएशन चल रही है अभी, फाइट मारना और हर्डल्स आना ये सब टेम्प्ररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये हट जाएगा। बुल डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। यस बिकॉज मैंने कहा था आप बहुत स्ट्रांग हो, आप गिव अप नहीं करते हो, ये वही कार्ड आया कि आप बैक डाउन बिल्कुल नहीं करते हो, चाहे ऑपोजिट कोई भी हो, आपकी दुनिया ही खड़ी हो, आप गिव अप करते ही नहीं हो। तो आपका जो हेड है ना वो बहुत स्ट्रांग है, यू आर वेरी हेड स्ट्रांग पर्सन। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो अलग ही लेवल की है, तो आपका जो डेडिकेशन है, जो स्ट्रेंथ है ना, यही जो नेचर है आपका, यही जो नेचर कि मुझे गिव अप नहीं करना है, आई वॉन्ट टू बिकम द आई वॉन्ट टू बिकम दिस, यही जो आपका नेचर है। तो यूनिवर्स बोलते हैं कि ओके फाइन, दिस इज योर गिफ्ट फ्रॉम मी, बिकॉज तुमने गिव अप नहीं करा उसके लिए। देन वी हैव फैमिली मैटर्स, सम हाउ देर आर सम फैमिली मैटर्स गोइंग ऑन। ये फैमिली मैटर्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, ऐसे कि फैमिली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके, या फिर कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, ऐसा कुछ हो सकता है, बट दैट डजेंट स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग वॉट यू वॉन्ट। सो चाहे फैमिली मैटर हो चाहे कुछ भी हो, वॉट यू वॉन्ट टू अचीव यू विल अचीव। देन वी हैव पे अटेंशन टू योर हेल्थ, तो अच्छी बात है कि आप सब कुछ अचीव करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, बट यू हैव टू पे अटेंशन टू योर हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ नहीं होगी तो आप कुछ इन्जॉय नहीं कर पाओगे। सो हेल्थ का भी ध्यान दो, सिर्फ काम 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 ही नहीं कि आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑलवेज। देन वी हैव रोमांस इज इन दी एयर, सो आई गेस कि अगर कुछ लोगों का प्लान नहीं है टू बी इन अ रिलेशनशिप और टू गेट कमिटेड, तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स एक रोमांटिक पार्टनर भेज रहे हैं, और आई गेस कि वो जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में एज अ लक फैक्टर बन के आएगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी लेके आएगा। एंड इफ यू गाइज आर सिंगल, इफ यू गाइज आर वेटिंग कि यू नो यू वॉन्ट अ रियल रिलेशनशिप विद समबडी कि जो आपको कमिटमेंट दे, तो वो पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द एंटर होने वाले हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। यू विल बी मीटिंग दैट पर्सन वेरी वेरी सून। ग्रुप नंबर 4 एडवाइस देखते हैं आपके लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस अभी अगर चीज़ें जो है वो आपके हिसाब से नहीं है तो नो लिटिल बिट एडजस्टमेंट इज़ फाइन, यू शुड डू लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट जहाँ आप कर सकते हो। वर्क थ्रू योर फियर्स, यस डरते तो वैसे आप हो भी नहीं, सो दैट्स वाई अगर थोड़ा सा डर भी है डाउट भी है तो वर्क करो उस पर कि फियर मत रखो, बिकॉज आपका जो नेचर है वो बहुत ही स्टबर्न है कि आई वॉन्ट दिस थिंग सो आई वॉन्ट दिस थिंग। सो यू नो जस्ट जस्ट वर्क ऑन योर फियर्स की फियर जो है वो आपके दिमाग के ऊपर ओवर पावर ना करें। देन वी हैव द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, सो जो जो काम है वो बड़े फटाफट से होंगे आपकी लाइफ में, अब डिलेज नहीं आएंगे, जो डिले आने थे वो आ गए, अब जो आगे है चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी और फटाफट से जो है आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी लाइफ की। ओके सो ग्रुप नंबर 4 ये है आपकी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर। हाई गाइज लाइफ पाथ नंबर 5 पीपल, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपका लाइफ पाथ आपको कहाँ लेके जा रहा है। लाइफ पाथ नंबर 5, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव दी एट ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ग्रुप नंबर 5। यहाँ पे आप मेजर पोर्शन ऑफ योर लाइफ में जो है आप कंफ्यूज हो, आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है, राइट? सो अभी भी आप कंफ्यूज हो बिटवीन सम थिंग्स और सम ऑप्शंस और सम सिनेरियोस कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में,
और जो इल्यूजन है, जो ये कंफ्यूजन है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, और आप जगल कर रहे हो बिटवीन टू थिंग्स, राइट? और यू आर नॉट अंडरस्टैंड दैट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ. यू वॉन्ट टू नो योर लाइफ पर्पज. कहीं ना कहीं आप को जो है ना, इस टाइम रिलेशनशिप खुशी दे रहे हैं, ना इस टाइम पैसा खुशी दे रहा है. यू जस्ट वॉन्ट टू फाइंड योर सेल्फ कि आप क्यों आए हो इस धरती पे, आपका क्या पर्पज है. यू वॉन्ट टू फाइंड दैट थिंग, और आप उस सर्च ऑफ मिशन पे आप जाना चाहते हो, राइट? ये जो कंफ्यूजन है, यू वॉन्ट क्लैरिटी ऑन दिस, कि यू वॉन्ट टू नो कि हाँ ओके, ये मेरा पाथ है, मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे इस पे चलना है, एंड दिस इज वॉट आई एम मेंट टू डू. यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी इन योर लाइफ. ये कन्फ्यूज नहीं रहना है आपको कि हमेशा कन्फ्यूज रहना कि कौन सा पार्टनर अच्छा है, कौन सी जॉब अच्छी है, कौन सा यू नो लाइफ अच्छी है. इट्स लाइक नो, यू वॉन्ट, यू डोंट वॉन्ट दिस कन्फ्यूजन. यू वॉन्ट कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी आए, मैं हमेशा जगल ना करूँ जिंदगी में अपने, मुझे एक शांति वाली लाइफ चाहिए, मुझे इतना ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में. सो यू वॉन्ट कि ये ड्रामा, ये इल्यूजन, ये कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए. सो लाइफ पाथ नंबर 5, आपकी लाइफ में जो है ये क्लैरिटी आ रही है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स. शी इज़ वेरी क्लियर, शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर पर्सन. कोई मिर्ची मसाला कुछ नहीं, सीधे सपाट बातें करना, डरना नहीं, फियरलेस, ओके? और अपनी बातों को पॉइंट टू पॉइंट रखना, मेंटल क्लैरिटी. सो यू आर बिकमिंग दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट पर्सन. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज जो है अपने अंदर मैनिफेस्ट कराने वाले टाइम में, आप स्ट्रांग बन रहे हो, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आप फियर्स बन रहे हो, आपके अंदर वो एक आ रहा है मेंटल क्लैरिटी, एक कन्फ्यूजन से बाहर निकल के मेंटल क्लैरिटी मिल रही है आपको कि फाइनली यू नो आई एम क्लियर अबाउट माई गोल्स, अबाउट माई लाइफ, दैट दिस इज वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ. आपको रियलाइज होगा ही आगे जाके, सडनली आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी, बिकॉज शी इज़ वेरी इंट्यूटिव. तो आपका इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड करेगा कि वॉट इज योर करेक्ट पाथ, दिस इज वॉट, दिस इज हाउ यू विल डिसाइड. एंड आप ना बहुत ज़्यादा बोल्ड, क्लियर, एकदम कट टू कट बात करने वाले लोग आप बिल्कुल वैसे बनने वाले हो. आपको लाइफ में ड्रामा चाहिए ही नहीं अपने, ये आपके माइंड में क्लियर है बिल्कुल. यू वॉन्ट अ ड्रामा, ड्रामा लेस लाइफ. तो आप बिल्कुल ऐसे बन रहे हो, बोल्ड, स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, क्लियर कट, ओके? एंड समहाउ आप अपने चीज जो आपके अगेंस्ट है ना, उसको आप अपने फेवर में कर रहे हो और अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो. सो यू आर बिकमिंग वेरी बोल्ड एंड वाइज एंड अ वेरी पैशनेट पर्सन. सो जब यू विल गेदर क्लैरिटी कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है, मेरा लाइफ में गोल ये है और मेरे को इस पे चलना है, इस पाथ पे, सडनली यू विल सी की चीजें जो है वो आपके हिसाब से अलाइन हो जाएंगी एंड यू विल बी विनर. और जो चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उन चीजों को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाओगे. यहाँ पे सारे कप्स फेंक दिए इसने कि आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, नो ड्रामा लाइफ, नो फालतू के लोग, नो कन्फ्यूजन, नथिंग. सब कुछ कप्स इसने फेंक के ये आगे बढ़ चुकी है लाइफ में, बिकॉज शी हैज़ नो टाइम फॉर ऑल दिस. तो नाउ शी हैज़ जस्ट वन गोल कि अब जो मेरे पास सिर्फ मेरा एक गोल है और मुझे से उसको अचीव करना है, दैट इज योर लाइफ पाथ. तो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं यूनिवर्स आने वाले टाइम में आपके लिए. तो आप जो है उसको फॉलो करोगे आगे जाके, आप एज अ विनर उस चीज़ में बाहर निकलोगे. और आप जो भी आपको सर्व नहीं कर रही है, चाहे कोई हैबिट हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई कोई भी चीज़ हो, कन्फ्यूजन हो, आप उन सबको अपनी लाइफ से दूर करके आप वहां से आगे बढ़ रहे हो अपनी नई जर्नी के ऊपर. तो आई गेस कि ये जो ग्रुप है, दिस इज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड आल्सो हु आर इन सोल सर्च ऑफ देयर मिशन, कि मेरा मिशन क्या है इस दुनिया में आने का, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, व्हाट आई एम सपोज टू डू एग्जैक्टली. यू वॉन्ट टू नो ऑल दीज आंसर्स. सो आपको ये आंसर्स मिल रहे हैं, आपको अपना लाइफ पर्पज मालूम चल रहा है एक्चुअली में, और आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, आप उसके लिए वर्क भी कर रहे हो. और ऐसी चीज़ें जो आपकी एनर्जी से अलाइन नहीं कर रही हैं, आप उनको दूर भी कर रहे हो अपनी लाइफ से. फालतू का ड्रामा, नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, राइट? जो भी मटीरियलिज्म, एवरीथिंग जो आपके हिसाब से सही नहीं है आपके लिए, आप उसको दूर कर रहे हो. एंड फाइनली यू आर टेकिंग दैट वन वॉन्ड इन योर हैंड की येस, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ एंड यू विल डू दैट. ऐसे देखते हैं लाइफ पाथ नंबर 5.
वी हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप. यस, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके लिए और ये वो है जो आपको चाहिए. ये नया पाथ खुल रहा है. दिस इज अ न्यू न्यू पाथ, न्यू जर्नी फॉर यू कमिंग. थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग. कैटरपिलर, सो कैटरपिलर ही नहीं रहोगे हमेशा, यू बिकम बटरफ्लाई. तो अब टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, अब टाइम है एक नया जर्नी बिगिन करने का, एक आपके नए वर्जन का, हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स. मतलब आपकी पर्सनैलिटी जो होगी वो ऐसी होगी. अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, येस, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग इट. कि मेरे को अपना लाइफ पाथ दिखाओ, मुझे बताओ कि मैं क्यों हूँ इस जर्नी में, मैं क्यों हूँ इस लाइफ में. आपके क्वेश्चंस आते हैं अंदर से ये, तो आपकी जो ये विश है ग्रांट हो रही है कि आपको अपने लाइफ पाथ से मिलवाया जा रहा है. देन यू गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे हैं, आपकी जर्नी के लिए अच्छे हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे. ओ वाओ, ये बटरफ्लाई है, चेंज फॉर द बेटर. इस कैमरा, या सो कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई बोथ, सी व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन. कैटरपिलर से बटरफ्लाई दोनों ही आ गए हैं आपके लिए. इट मीन्स इट्स 100% श्योर कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा और आप दूर नहीं हो विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन. आप बनने वाले हो फ्रॉम दिस कैटरपिलर टू बटरफ्लाई. एंड यू विल रियलाइज कि हाउ ब्यूटिफुली योर लाइफ हैज चेंज्ड. योर लाइफ हैज चेंज फॉर द बेटर. यहाँ लिखा हुआ है अ चेंज फॉर द बेटर. आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है आपके बेटरमेंट के लिए. वॉट अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन. ग्रुप नंबर 5, यहाँ से हम एडवाइस देखते हैं फॉर द ग्रुप नंबर 5. वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. यस, प्रैक्टिकल डिसीजंस भी लो अपनी लाइफ में बस, और टूवर्ड्स जो आपके डिवाइन है वहाँ भी ध्यान दो. तो इट्स लाइक बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स, वो आप करने वाले हो लाइफ में आगे जाके. देन वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. येस, डिसाइड फॉर योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट, डोंट स्टे इन योर कम्फर्ट जोन. कम्फर्ट जोन में चीज़ें ईजी होती हैं. आउटर कम्फर्ट जोन इट टेक्स बोल्डनेस. तो आपके अंदर बोल्डनेस आनी चाहिए कि येस आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट दिस. देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, क्योंकि आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वरना वहीं घूमते रहोगे हमेशा की तरह. तो दिस इज फॉर यू, ग्रुप नंबर 5. आई होप यू लाइक इट. प्लीज टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर. हाय गाइज, लाइफ पाथ नंबर 6. चलिए देखते हैं कि आपके लिए आगे क्या आने वाला है. वट इज कमिंग फॉर यू इन द नियर फ्यूचर, लेट्स सी. We have two of wands, we have two of cups, we have the sun card, we have the hierophant, we have the devil. सबसे पहले तो ना लाइफ पाथ नंबर 6 गाइस, आप लोग ना बैलेंस करना बहुत अच्छे से सीख रहे हो अपनी लाइफ में. ये खूबी आ रही है आपके अंदर. अभी तक आपको जो आपकी पर्सनालिटी थी वो ऐसी थी कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना नहीं आता था, वो स्मार्टनेस नहीं आती थी, राइट? कि यू नो, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन योर लव लाइफ सो योर करियर इज़ नॉट गेटिंग फोकस, और करियर है तो लव लाइफ बिल्कुल आप इग्नोर कर रहे हो. सो इट्स लाइक समथिंग अदर इज़ बीइंग इग्नोर्ड. तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठाना सीख गए हो. इट्स ऑल्सो अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग फॉर यू. बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है आपकी लाइफ में आ रही है. आपके लिए आने वाले अगले 2 महीने बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं. कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में इन 2 महीनों में. स्पेशली योर लव लाइफ इज गेटिंग टू अ नेक्स्ट लेवल. या तो आप शादी फिक्स हो रही है आपकी, या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही रोमांटिक पर्सन आ रहे हैं जो आपकी बिल्कुल जैसे आपने ड्रीम करा बिल्कुल वैसे होंगे वो पर्सन. इफ़ यू आर सिंगल, सो इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ गुड पार्टनर तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, राइट? और आप में से काफ़ी लोगों की लव मैरिज जो है वो फिक्स हो सकती है. एंड इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी मैरिड, तो आपकी मैरिड लाइफ जो है वो और ब्यूटिफुल बनने वाली है, और रोमांटिक बनने वाली है, और अच्छा टाइम स्पेंड करोगे विथ योर पार्टनर, राइट? एक बहुत ही ज़्यादा एक रोमांटिक फेज जो होता है मैरिड लाइफ का, वो आपको फील करने को मिलेगा विथ योर पार्टनर आने वाले टाइम में. सो देर विल बी अ बैलेंस, देर विल बी इक्वालिटी, इक्वल प्यार दोनों की तरफ से ऐसा फील होगा इफ़ यू आर मैरिड और अनमैरिड.
पर इक्वल प्यार दोनों की तरफ से आपको फील होगा. ओके, यूनियन है बहुत लोगों का, जो लोग अभी सेपरेटेड है तो यूनियन है यहाँ पे. द सन इज शोइंग अ पॉजिटिव गुड न्यूज कमिंग फॉर यू, वेदर इट्स प्रेगनेंसी, वेदर इट्स अ न्यू जॉब, गुड हेल्थ, लविंग रिलेशनशिप्स, ओके, स्पिरिचुअलिटी, एनीथिंग. बट द सन कार्ड इज शोइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, जो आगे आ रही है आपकी जिंदगी में, राइट? सो इतनी सारी गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ रही है. तो बैलेंस आ रहा है लाइफ में, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल रहे हैं आगे जाके, आपको अपना पाथ मिल रहा है लाइफ का, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी वेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी लाइफ में करियर के दरवाजे खुल रहे हैं, आपकी लाइफ में आफ्टर दैट डार्कनेस दिस पॉजिटिव न्यू सनशाइन इज कमिंग इन योर लाइफ. ओके, जो दोज आर वेटिंग फॉर द चाइल्ड प्रेगनेंसी, उनकी गुड न्यूज़ आ रही है, उनके चाइल्ड गुड न्यूज़ आ रही है. ओके, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल थी वो पॉसिबल होने वाली है अब आने वाले टाइम में, बिकॉज द सन कार्ड इज योर, इज अ मोस्ट पॉजिटिव कार्ड फॉर यू. ये आपके लिए आया अभी फर्स्ट, किसी और के नहीं आया अभी तक आज की रीडिंग में. सो दस इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड. सो यस, विश फुलफिलमेंट. पर ये तो है एक कहानी. दूसरी कहानी ये है कि ये सब कुछ मिलने के बाद आप क्या बनते हो वो आपके ऊपर है. आप हेरोफेंट बनते हो या आप डेविल बनते हो, दैट्स ऑन यू. कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा, प्यार भी सही चल रहा है, लव लाइफ भी सही है, करियर भी चकाचक हो गया है, हेल्थ भी बढ़िया है, जॉब भी बढ़िया चल रही है, सब कुछ अच्छा हो गया है, अब तो बस कट गए स्पिरिचुअलिटी से. तो जब वहाँ से कट गए तो आप गए डेविल वाले रास्ते पे, आपने स्टार्ट कर दी अपनी बैड हैबिट्स. कुछ लोग शायद अल्कोहल, कुछ लोग यू नो दैट ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, स्टबर्ननेस कि मैं ही हूँ टॉप पे, मैं ही ये, मैं ही वो, दैट यू नो दैट सेल्फ प्रेज, वो भी डेविल क्वालिटी है. या फिर यू नो अपने कंफर्ट में चल जाना कि कंफर्ट जोन में रहना है, सब कुछ मिल चुका है मेरे को, अब मुझे हार्डवर्क क्यों करना है. सो अपने कंफर्ट जोन में रहना, सो कंफर्ट जोन भी एक डेविल ही है अकॉर्डिंग टू मी. इट्स अ डेविल. सो इट्स ऑन यू दैट यू वॉन्ट टू बिकम दिस डेविल आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, और यू वॉन्ट टू बिकम द हायरोफेंट. हायरोफेंट इज ऑल अबाउट टीचिंग अदर्स, हायर लेवल ऑफ लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना, अपने आप को और पढ़ाते रहना, कुछ नया सीखते रहना, और दूसरों को भी गाइड करना आपको क्या बनना है. दिस इज योर चॉइस. यू हैव बोथ द चॉइसेस. तो आप क्या बनोगे, दैट्स योर चॉइस, बट यू हैव टू ऑप्शंस. अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड फॉर यू, बट आई नो दैट यू विल चूज द हायरोफेंट कार्ड. तो इट मीन्स कि आपको दूर रहना है विद ऑल द नेगेटिविटी इन योर लाइफ. लेजीनेस हो गया, प्रोकेस्टिनेशन हो गया, नेगेटिव कोई ट्रेट्स हो गई, नेगेटिव कोई हैबिट्स हो गई, ओवर थिंकिंग हो गया, आपको इन सबसे दूर रहना है. बिकॉज अगर आप ये सोचोगे तो आप ऐसे ही बन जाओगे, क्योंकि आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके ऊपर बहुत जल्दी एनर्जीज का असर हो जाता है, वेदर इट्स पॉजिटिव वेदर इट्स नेगेटिव. सो मेक श्योर दैट यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, बिकॉज वेन एवर वी गेट एवरी हैप्पीनेस इन लाइफ ना, कुछ डेविल एनर्जीज या कुछ डेविल लोग होते हैं जो हमारी हैप्पीनेस को दूर करने में लग जाते हैं हमसे. बट मेक श्योर कि आपकी स्पिरिचुअल पावर ही इतनी हो कि कोई डेविल आप तक पहुंच ही ना पाए, चाहे वो कोई पर्सन है चाहे वो एनर्जी है. तो आपके अंदर अपनी स्पिरिचुअलिटी अभी से इतनी बढ़ा लो, अभी से इतना इकट्ठा कर लो स्पिरिचुअल पावर अपने अंदर की, आप तक जब सब कुछ मिल जाए आपको, तब तक आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी हो जाए और आपकी लाइफ में ये डेविल आ ही ना पाए. तभी दोनों कार्ड आए पास पास, हेरोफेंट और डेविल, एक है एकदम स्पिरिचुअल और एक एकदम डेविलिश. सो राइट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी. सब कुछ मिल रहा है लेकिन स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना है. ओके, लाइफ पाथ नंबर 6, लेट्स सी मोर फॉर यू. वी हैव समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वॉन्ट. यस, सी दिस डेविल एनर्जी ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आना चाहता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है, या फिर कोई सिचुएशन है जो आप जो लाइफ में चाहते हो और उसके बीच में आना चाहता है, कोई एनर्जी हो, कोई डीले हो, एनीथिंग. ये जो डीले है ना, ये आप सही कर सकते हो विथ योर पॉजिटिविटी एंड विथ योर स्पिरिचुअलिटी, तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा. वरना आपके जो सक्सेस के भी तो बहुत सारे लोग हैं, आप पे बहुत लोगों की नज़र,
गारंटीड सक्सेस, सी गारंटीड सक्सेस द स्टार कार्ड, यू विल गेट सक्सेसफुल, कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई डेविल हो चाहे कोई भी हो, राइट, नो बडी कैन कम बिटवीन वॉट डिवाइन हैज रिटन फॉर यू. शर्त यही है कि आपको कनेक्टेड रहना है अपने डिवाइन से, रोज अलग नहीं होना है उनसे बिल्कुल भी. देन वी हैव फोर्सेज वर्किंग अगेंस्ट यू, सी अगेंस्ट अगेंस्ट समवन इज कमिंग बिटवीन, ये ऐसे जो कार्ड्स आ रहे हैं दिस इज शोइंग द डेविल एनर्जी. कोई है तो आपकी लाइफ में जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो कहीं ना कहीं से नेगेटिव सोच के, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स खुद ही ले आते हो, लेकिन जब ऊपर वाला है तो फिर डर किस बात की, बिकॉज यहाँ पे है गारंटीड सक्सेस. होते रहे फोर्स आपके अगेंस्ट, यू विल गेट सक्सेसफुल. मैरिज, ये आई टोल्ड यू, काफ़ी लोगों के लिए मैरिज है, मैरिज वाइज भी गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए, और मैरिज लाइफ भी आपकी अच्छी हो रही है, चाहे कोई बीच में आ जाए तब भी. बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क. यस, ये इन खुशियों को ना संभाल के रखना, रिस्क मत लेना इन खुशियों के साथ, इन फोर्सेस से, इस नेगेटिविटी से, डेविल से दूर रहना. मैं इसको दूर ही कर देती हूँ, इनसे दूर रहना, इनको अपनी लाइफ में आने मत देना. ये है आप जो आप डिजर्व करते हो, वो आप डिजर्व नहीं करते हो. सो यू डोंट डिजर्व द डेविल, यू डोंट डिजर्व द नेगेटिविटी इन योर लाइफ. ओके, लास्ट में हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं फॉर दी लाइफ पाथ नंबर सिक्स एडवाइस. वी हैव यू एंड योर लव वंस आर सेफ. यस, यू एंड योर पार्टनर, यू एंड योर फैमिली, यू एंड योर लव वंस, वो सेफ हैं, नो डेविल कैन हार्म दैट. लुक एट द बिगर पिक्चर. यस, अब थोड़ी सी अपनी सोच को जो ब्रॉड बनाओ, लुक एट द बिगर पिक्चर, थिंक अबाउट द फ्यूचर, थिंक अबाउट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट यू आर अबाउट टू गेट इन लाइफ. एंड वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. टफ साइकिल थी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, मुश्किल देखें अपने लाइफ में, और काफ़ी कुछ झेला है आपने अपनी लाइफ में इन दिनों, बट ये टफ साइकिल खत्म हो गई, एंड फाइनली दिस ब्यूटिफुल सनराइज इज कमिंग इन योर लाइफ. ओके, सो लाइफ पाथ नंबर सिक्स ये है आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर. हाय गाइस, लाइफ पाथ नंबर सेवन, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है. नाइन ऑफ सोड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, जस्टिस. टेंशन में लग रहे हो आप लोग गाइस, लाइफ पाथ नंबर सेवन की तरफ टेंशन लग रहा है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो रात को, और मेंटली परेशान हो आई फील, किसी बात को ले, किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके. फॉर सम ऑफ यू देर आर प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन योर मैरिड लाइफ, और आप उस वजह से परेशान हो अपनी ज़िंदगी में. एंड फॉर सम ऑफ यू जो मैरिड नहीं है, उनकी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी लाइफ में, और आप उस वजह से परेशान हो. आई गेस कि जो आपका जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है फॉर द मैरिज. सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है पर्सन, और आप उस वजह से जो है आप परेशान हो रहे हो, आप रो रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो रात को, बिकॉज यू लव दिस पर्सन, बट दिस पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम यू. सो नाउ यू आर कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ लाइफ में, रुकूँ ना रुकूँ, वेट करूँ ना करूँ, राइट. तो कुछ लोगों के लिए सिचुएशन है ऐसी, नॉट फॉर लाइक ऑल ऑफ यू. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई सक्सेस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, कोई बिग सक्सेस यू वॉन्ट, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस, यू वॉन्ट दिस सक्सेस, बट यू आर कन्फ्यूज, यू आर मेंटली अपसेट कि सक्सेस लाइफ में आएगी तो आएगी कैसे, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, यू नो आप जगल कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, यू आर नॉट गेटिंग द वे, द की टू हाउ दिस प्रॉब्लम विल एंड इन योर लाइफ. चाहिए आपको बिग सक्सेस बट समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो परेशान हो. सो कुछ लोग परेशान है रिगार्डिंग देयर लव लाइफ, कुछ लोग परेशान है रिगार्डिंग देयर करियर. सो देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड एंगजाइटी गोइंग ऑन इन योर लाइफ. ओके, सो फाइनली यू हैव टू चूज वन थिंग, यू कैनॉट जगल. या तो आप बैलेंस कर लो, चीज़ों को बैलेंस कर दो आप खुद ही, अदरवाइज चूज वन, डू यू कैनॉट जगल, राइट. सो आई गेस कि आप कुछ टफ डिसीजंस लोगे आगे जाके अपने लिए,
Because Eight of Cups ka card is it's all about moving on. It's all about leaving that bad phase and moving on in life. तो अगर आपका ऐसा कोई पर्सन है जो टॉक्सिक है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको अपने पीछे भगा रहा है, आप यू फील कि वो सीरियस नहीं है आपके, तो यू आर फाइनली लीविंग दैट पर्सन और आप आगे बढ़ रहे हो उस पर्सन से. अब आप उससे इतना इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हो, आप फाइनली यू आर लीविंग बिकॉज यू नो दैट यू डिजर्व समबडी हु विल गिव यू दिस जस्टिस. यू डिजर्व समबडी हु विल गिव यू द इक्वल गिव एंड टेक, जो आपके लिए सीरियस हो, जो आपको कमिटमेंट दे, जो आपके लिए यू नो 100% श्योर हो. यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू वॉन्ट दैट पर्सन. ओके. एंड फॉर द पीपल आर लुकिंग फॉर अ करियर ऑप्शन, करियर की वजह से परेशान है कि सक्सेस चाहिए लाइफ में, आई गेस कि अभी तक जो आप तरीके अपना रहे हो अपने करियर में वो आपको सक्सेस दिला नहीं रहे, वो वही वही आपको जगल करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं. सो आई थिंक आप में से काफ़ी लोग जो है अपना करियर पाथ ही बदलने वाले हो, कि आप कर कुछ और रहे थे बट फाइनली आप वो सब छोड़ छाड़ के आपको नया करियर पाथ चूज कर रहे हो और वहाँ पे जो है आपको सक्सेस और जस्टिस मिल रहा है. वहाँ पे यू आर गेटिंग वॉट यू डिजर्व, वॉट योर कर्मा, गुड कर्मा विल गिव यू वहाँ पे. सो आई गेट देर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड मूविंग ऑन कमिंग इन योर लाइफ आगे जाके. ये आपका ये रहने वाला है ऐसा कि आप कुछ चीज़ें जो है वो खत्म कर रहे हो, मतलब छोड़ रहे हो, बोले आई कांट हैंडल दिस एनी मोर, आई वॉन्ट समथिंग न्यू नाउ. अब कुछ नई लाइफ, नया पाथ, नया करियर, नया पार्टनर. ऑफकोर्स जो नहीं सही है आपके लिए उसको छोड़ रहे हो, जो सही है उसको नहीं छोड़ रहे हो आप, राइट? सो इट्स लाइक वेन जब आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ से गुड बाय करोगे ना, तब आपकी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी एंटर करेगी और वो आपको जो है जस्टिस दिलाएगी, वो आपको जो है एक आपको अपने पाथ से अलाइन करवाएगी और फाइनली आप जो डिजर्व करते हो लाइफ में आपको वो मिलेगा. आपको फिर मांगना नहीं पड़ेगा किसी से, आपके पास वो अपने आप आ जाना है बिकॉज आप वो डिजर्व करते हो अपनी जिंदगी में. सो देयर विल बी सम हार्ड डिसीजन्स दैट यू विल टेक बट इट विल बी फॉर योर ओन गुड, और वो आप खुद लोगे, कोई आपसे फोर्स नहीं करवाएगा उसके लिए, यू विल फील दैट. ओके, यहाँ से देखते हैं लाइफ पाथ नंबर 7. वी हैव इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल. यस, एफर्ट्स और लगाने हैं आपको, एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन. अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो अब आप लगाओगे एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में. ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू. यस, जब आप एफर्ट लगाओगे राइट डायरेक्शन में तो ये ऑनर और रिस्पेक्ट अपने आप आपके पास आएगी. दिस जॉब, दिस करियर, दिस ऑनर, दिस रिस्पेक्ट, परफेक्ट पार्टनर, ये अपने आप आएगा आपके पास. अफेयर्स विथ योर फैमिली. आई गेस दिस इज वॉट योर फैमिली वॉन्ट्स फॉर यू, कि आप लाइफ में आप स्टेबल हो जाओ, राइट? तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जो है काफ़ी सपोर्टिव रहेगी आपके लिए इस टाइम पे. यू आर हाईली थॉट ऑफ. सो आई गेस कि जो अगर आप किसी के पीछे बहुत भाग रहे हो, जो आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, तो आई थिंक तब वो पर्सन जो आपकी वैल्यू रियलाइज करेगा, तब उसको आपकी याद आएगी. सो आई गेस किसी के पीछे भागो मत, अपने ऊपर ध्यान दो इस टाइम. देन वी हैव टेम्पररी सिचुएशन, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, दिस इज ऑल टेम्पररी, दिस इज नॉट लाइक अ परमानेंट थिंग. ये टेम्पररी फेज है, एक टेम्पररी रफ फेज है आपकी लाइफ का, ये निकल जाएगा बहुत ही जल्दी. ओके, एंड देन यू विल रियलाइज कि हाँ सब सही हो गया है. आई गेस इन द नेक्स्ट 8 वीक्स जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे. एडवाइस देखते हैं. ओके, वी हैव कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. यस, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, डरो मत चेंज लाने से, ब्रिंग कॉन्फिडेंस. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. यस एग्जैक्टली, नेगेटिव चीज़ें, सिनारियो, लोग, उसको छोड़ो पीछे और आगे बढ़ो लाइफ में. अब रिलीज कर दो वो नेगेटिविटी, उस बर्डन को अपनी ज़िंदगी से. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. एक्शन का टाइम है. इट्स टाइम टू बी कॉन्फिडेंट एंड नेगेटिविटी को बाय बाय बोलने का टाइम है. तो एक्शन लो, आगे बढ़ो, डरो मत चेंज लाने से, एंड यू विल फील कि सब कुछ अच्छा हो गया आपकी लाइफ में. ओके, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर. हाय गाइस, लाइफ पाथ नंबर 8. चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या आ रहा है आपके लाइफ में आगे. द डेविल, द वर्ल्ड,
the Hangman, Eight of Pentacles, Wheel of Fortune. चार कार्ड्स आए फॉर योर मेजर खाना. वेरी लकी लाइफ पाथ नंबर एट पीपल. यू गाइज आर बींग नेगेटिव, यू गाइज आर बींग पेसिमिस्टिक, और आप जो है नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव इमेजिन कर रहे हो, नेगेटिव आदतों में पढ़ रहे हो. कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो आप कर रहे हो लाइफ में इस टाइम. आई डोंट नो क्या कर रहे हो, बट कुछ तो है कर रहे हो. जैसे कुछ लोग लेजीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग जो है को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग मे बी कोई गंदी आदत हो सकती है आपके अंदर, राइट. या कुछ लोग नेगेटिव जस्ट सोच रहे हैं और अपना नुकसान कर तो हमारा नुकसान कर रहे हैं. इट्स लाइक नेगेटिव सोच, नेगेटिव सिनारियोज, समथिंग देर इज नेगेटिव इन योर लाइफ, या नेगेटिव लोगों की कंपनी में है, ये भी हो सकता है. बट देर इज सम थिंग दैट इज नॉट राइट, और आप जो है इस चीज से फ्री होने वाले. द वर्ल्ड कार्ड यही दिखा रहा है द एंड ऑफ दिस नेगेटिव साइकिल. ये साइकिल जो काफ़ी हद तक आपके लिए टॉक्सिक थी, आपको ड्रेन किया, आपको गलत लोगों से मिलवाया, गलत संगति में पड़े आप, या गलत हैबिट्स आपने अडाप्ट करी इन दिनों, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, राइट. सो एवरीथिंग जो भी आपका हुआ गलत इस टाइम, वो ये डेविल है. और ये साइकिल से आप फ्री हो रहे, बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड इज लाइक द लास्ट कार्ड ऑफ मेजर काना, एंड इट्स लाइक द फिनिश, लाइक फिनिश, दिस साइकिल इज फिनिश नाउ. तो अब ये साइकिल फिनिश हो रही है, और जैसे साइकिल फिनिश होगी आपकी, दिस न्यू साइकिल विल बिगिन, एंड दिस विल ब्रिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू इन योर लाइफ. एंड यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मौके आएंगे लाइफ में कुछ करने के, करियर वाइज भी, ट्रैवलिंग वाइज भी, हर तरह से. यू विल फील कि कुछ नयापन आ रहा है ज़िंदगी में, कुछ अच्छा आ रहा है ज़िंदगी में. सो वर्ल्ड कार्ड ना आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ रहा है आपकी लाइफ का, एक नया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेके आ रहा है आपके लिए. हैंगमैन जो आया है वो यही दिखा रहा है कि इस डेविल फेज में आपने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए हैं जो जल्दबाजी में लिए आपने, जो तो सही नहीं थे आपके लिए. कुछ करा ऐसा काम आपने जो आपने बिना सोचे समझे करा. तो अब हैंगमैन बीच में आना वो यही दिखा रहा है कि जो भी डिसीजन लो अब आप अपनी लाइफ में आगे, वो सोच समझ के लो, शांति से लो, रुक के लो, भले लेट लो थोड़ा 3 दिन, बट 3 दिन बाद इट बी क्लियर कि हाँ आई एम इन माई सेंसेस, अब मैं डिसीजन जो है वो सही ले रहा हूँ या ले रही हूँ, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट कि थिंक बिफोर यू डिसाइड, ये वो बता रहा है. बिकॉज अब आप इतने मेच्योर हो चुके हो, इतनी ठोकरें खा के, राइट. सो दिस वर्ल्ड कार्ड जो है आपके लिए, एक तो ट्रैवल लेके आ रहा है, आप इस बार तो ट्रैवल करने वाले हो, स्पेशली लाइक वर्ल्ड ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, ये आपके लिए ऐसे रास्ते खोल रहा है यहाँ पे. बट थिंक बिफोर यू डिसाइड एनी थिंग इन लाइफ. कम्युनिकेशन आ रहा है, फ़ोन कॉल, ई मेल्स, कॉन्टैक्ट्स इन एनी फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए आने वाले टाइम में, इन एनी फॉर्म, किसी भी चीज़ के लिए. एट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बन रहे हो आने वाले टाइम में. अगर आप बहुत लेजी थे इन द पास्ट, तो आप हार्ड वर्किंग बन रहे हो. आप किसी काम के ऊपर विद डेडिकेशन जो है काम कर रहे हो, किसी कंपनी में, या फिर किसी एग्जाम के लिए, या फिर किसी अपने ऊपर, या किसी चीज़ को आप चाहते हो पाना, तो आप वो चीज़ के ऊपर यू नो आप डेडिकेटली, आप दिल से सच में मेहनत कर रहे हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू अर्न इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू वर्क इन योर लाइफ. तो आप ऐसे बहुत लोगों की जॉब लग रही है जो कि काफ़ी टफ होगी, बट यू विल बी इंजॉइंग, यू विल बी डूइंग दैट वर्क, एंड यू विल बी इंजॉइंग, यू विल बी अर्निंग मनी फॉर योर सेल्फ. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज शोइंग कि अब आपका जो लक है ना वो चलना स्टार्ट हो जाएगा. जितना मेहनत करोगे उतना ही लक आपका चलेगा. दोनों कार्ड पास पास आए हैं, दोनों तभी बता रहे हैं कि द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल गेट. ये आपका जो है मोटो रहेगा लाइफ पाथ नंबर एट. और आप मेहनत करोगे और आपका जो सपोर्ट है फ्रॉम द डिवाइन वो भी बढ़ रहा है आपके लिए. सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, फॉर्चून आ रहा है आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून. सो फॉर्चून, अपॉर्चुनिटीज, करियर, लव, प्रोफेशनल, एवरीथिंग एंड एवरी वे आप जो है वो लकी हो रहे हो आगे जाके. बस इस डेविल को अपनी लाइफ में फिर से इनवाइट मत करना. अब आगे बढ़ो लाइफ में, थिंक बिफोर यू डू समथिंग और यू से समथिंग और डिसाइड समथिंग, जस्ट थिंक बिफोर दैट, बिफोर एनीथिंग यू डू और से. अदरवाइज आप काम कर रहे हो, आप बिजी हो, और अच्छी बात है कि आप बिजी हो रहे हो आगे जाके.
नेक्स्ट 8 वीक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए. ओके, यहाँ से देखते हैं लाइफ पाथ नंबर 8. वी हैव स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस. येस, आई टोल्ड यू, एक नया एक्सपीरियंस स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ का, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. दिस न्यू एक्सपीरियंस विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू. वी हैव समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर. किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है आपको इस नए चैप्टर में, आपको अपने ऊपर डिपेंड होना है, अपना काम खुद करना है. अपना काम खुद करो, किसी को मत बोलो, बिकॉज शायद लोग उतने सिंसियर नहीं है आपके लिए. तो आप डिपेंड अपने ऊपर ही रहना इस नए साइकिल में. अनाउंसमेंट, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई गुड न्यूज़ का अनाउंसमेंट, आप कुछ अनाउंस कर रहे हो कुछ बढ़िया, राइट? तो इट्स अ ब्यूटिफुल अनाउंसमेंट कमिंग फॉर यू. अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस. येस, सो आई थिंक दिस इज अनाउंसमेंट ऑफ मैरिज फॉर सम ऑफ यू. आपकी शादी फिक्स हो रही है तो आप अनाउंस कर रहे हो. जितना आपने हार्डवर्क किया था फॉर दिस पर्सन, तो फाइनली यू गाइज आर गेटिंग मैरिड. ओके, और फाइनली आफ्टर दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको एक परफेक्ट रिश्ता मिल रहा है और आप शादी के लिए हाँ कर रहे हो और आपकी आयु जो है फिक्स हो रही है विद दिस पर्सन. सो यू नो, फॉर सम ऑफ यू इट्स मैरिज और एंगेजमेंट टेकिंग प्लेस. एंड सम ऑफ यू इट्स बिजनेस पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप हो रही है रिगार्डिंग बिजनेस, कि आप कोलैबोरेट कर रहे हो विद समबडी. बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. अगेन दिस इज डेवल एनर्जी, कि अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, आप अचीव कर रहे हो, तो आपको अपने अंदर प्राइड नहीं लाना है कि मैं हूँ, मैंने करा. नहीं, ये नहीं करना है. अगेन दिस इज डेवल थिंग, अपने आप को सुप्रीम समझना. तो आपको प्राइड नहीं लाना है, आपको फिर भी हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है. जैसे दी एडवाइस फॉर यू, ग्रुप नंबर 8. वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. यस, पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ को चेंज करेंगे इन अ गुड फॉर्म. पर्सनल इशू रीच इज रेजोल्यूशन. पर्सनल लेवल जो प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, चाहे फैमिली में हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे आपकी खुद की लाइफ में हो, मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, इमोशनली कोई प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ें जो है वो सॉल्व हो रही हैं और आपको उसका सोल्यूशन मिल रहा है और आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो अपने काम के ऊपर. अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट. यस, आप विनर हो एंड में, चाहे आपका पास्ट कुछ भी रहा हो, बट फ्यूचर में आप विनर हो एंड यू विल अचीव ग्रेट हाइट्स. ग्रुप नंबर 8. सो यस गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 8, लाइफ पाथ नंबर 8. I hope you like it. Please do like, share, subscribe. Bye. Take care. Hi guys. Life path number 9. तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में आगे जाके. लाइफ पाथ नंबर 9. Okay. So we have the 9 of cups. 9 and 9. 9 of cups. We have the hermit. We have page of swords. We have 4 of pentacles. We have page of pentacles. Okay. So, group number 9. आप वर्क कर रहे हो टूवर्ड्स अ विश फुलफिलमेंट. आपका ध्यान जो है अपनी विश फुलफिलमेंट के ऊपर है इस टाइम की. कुछ बहुत विशेज है आपकी, वो आप चाह रहे हो कि यू नो जल्दी जल्द पूरी हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बट यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर वर्किंग ऑन दैट. एंड आई गेस कि आप उस चीज़ के ऊपर वर्क भी कर रहे हो, बिकॉज हर्मिट दिखा रहा है अकेलापन. हर्मिट दिखा रहा है रात को जग के कुछ काम करना ऑन सम थिंग. सो आई गेस कि आप कोई नॉलेज ले रहे हो, आप रात को पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर उसके आपको रात को जगना पड़ता है, और या फिर आप इतने मतलब अकेले रह रहे हो इस टाइम लाइफ में. सब लोग हो सकते हैं, बट स्टिल लाइक इंटरनली यू आर अलोन एंड यू आर गेनिंग सम नॉलेज, सम स्पिरिचुअल नॉलेज, सम प्रैक्टिकल नॉलेज. कुछ तो आप गेन कर रहे हो इस टाइम, जो आपको वाइज बना रहा है, जो भले आपको कट ऑफ रख रहा है अभी लोगों से, बट स्टिल आप अपग्रेड हो रहे हो अपने मेंटली और एक साइकोलॉजिकल लेवल पर अपग्रेड हो रहे हो अपने, राइट? तो आई गेस कि आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो लाइफ में एक्सम, जो कि आपको बिजी रख रहा है इन योर सेल्फ, और आपको वहाँ से नॉलेज मिल रही है और आप वहाँ से बहुत कुछ विजडम सीख रहे हो. आप अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को, और आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, आपका जो एक वाइजनेस है ना, वो बढ़ रही है. ओके, सो आई फील कि जो भी विश फुलफिलमेंट है आपके लिए, इसका वर्क कर रहे हो, ये
उसके रिगार्डिंग आपको कोई ऑफर आ सकता है इन द नियर फ्यूचर. पेज ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है एक अपॉर्चुनिटी को जो आपके लिए आ रही है. कोई कॉल, मैसेज, ईमेल, कॉन्टैक्ट कोई आपसे कर सकता है रिगार्डिंग दिस, राइट? एंड दैट विल बी लाइक अ बिगनिंग फेज फॉर यू. एक बिगनर लेवल पे हो गया, बट स्टिल दैट विल बी ह्यूज फॉर यू, बिकॉज जो भी आपने करी है हार्डवर्क, जो भी आप के जो डिजायर्स हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप कट ऑफ हो चुके हो बाकी सबसे, अब फिर उसके रिगार्डिंग जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो. ग्रुप नंबर 9, एंड देर विल बी लॉट ऑफ क्लैरिटी कमिंग इन योर लाइफ. ओके, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में. ओके, एंड अगर आप लोगों से इतना कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो इन दिनों, सोशलाइज नहीं हो रहे, तो आई गेस कि आप कम्युनिकेट करना शुरू कर दोगे लोगों से आने वाले टाइम. आई गेस कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये चेंज होने वाली है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल गेन. आप अर्न करना शुरू कर रहे हो, आप फाइनेंशियली गेन करना शुरू कर रहे हो, राइट? बट यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है एक पर्सन हु इज़ वेरी कंजूज. सो आई गेस कि आप इन द फ्यूचर आप थोड़े से यू नो मनी वाइज सेव कि नहीं, मुझे शेयर नहीं करना, मुझे खर्च नहीं करना, मुझे देना नहीं है किसी को अपना मनी, और मुझे अपने पास संभाल के रखना. तो ये थोड़ी सी जो चीज़ है ना, ये मनी के फ्लो को आप आपके ब्लॉक कर देगी. जितना आप दोगे उतना ही आपके पास लौट के आएगा. जस्ट लाइक दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने या तो आप करियर में एंड रिगार्डिंग योर मनी एस्पेक्ट, इट्स लाइक अ न्यू स्टेप फॉर यू. तो जितना आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा हेल्प करो, बट रिगार्डिंग लाइक थोड़ी बहुत तो आप हेल्प कर सकते हो, ताकि हेल्दी फ्लो आपके अकाउंट में बना रहे, कि जितना जा रहा है उससे ज़्यादा आ रहा है, राइट? तो वो जो है उस वजह से जो आपका जो फ्लो है मनी का, वो हेल्दी बना रहेगा. सो आई गेस कि आप कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में जो कि आपको मेंटल क्लैरिटी प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी. वो बिगनर लेवल पे है, बट स्टिल यू विल बी हैप्पी डूइंग दैट. यू विल बी ग्रोइंग, यू विल बी लर्निंग इन दैट फेज ऑफ योर लाइफ. सो इट्स लाइक अ कोई शुरू से शुरू कर रहा है अपनी ज़िंदगी को और बहुत खुश है, और जो भी उसने सपने देखे हैं ज़िंदगी, देख रहा है सपने, उसकी तरफ वो बढ़ रहा है, और जो भी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस सीखा है ज़िंदगी में, वो सब कुछ अप्लाई कर रहा है. बस शेयर करना सीखो अपनी चीज़ों को, अपने रिसोर्सेस को. जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी रिटर्न में. यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 9. वी आर बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज है. इट्स लाइक अ न्यू बर्थ, आपका ही नया जन्म हो रहा है ये. ग्रुप नंबर 9 कि आपका एक नया वर्जन आ रहा है सामने, और ये आपका ही यू नो एक नया फॉर्म निकल के आ रहा है. फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड की प्रेगनेंसी न्यू है, जो मैरिड है, बट फॉर मैगजिम ऑफ यू इट्स लाइक बर्थ ऑफ अ न्यू वर्जन ऑफ यू. और या फिर आप कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो या कोई जॉब में ज्वाइन कर रहे हो, तो इट्स लाइक अ न्यू थिंग फॉर यू कमिंग. देन वी आर स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड. यस, चीज़ें स्लो हो सकती हैं, बिगनिंग लेवल पे हो सकती हैं, बट आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो, आप रुके हुए नहीं हो, चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ेंगी. देन फाइनेंशियल गेन यूजली समथिंग यू डिड इन द पास्ट. तो देख लो फाइनेंशियल गेन हो रहा है आपका, और आप जो पास्ट में जो मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में, उस वजह से ही हो रहा है. तो कार्ड बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं. सो बिल्कुल आ रहा है आपके लिए प्रॉफिट गेन फाइनेंशियली, चीज़ें जो है अच्छी हो रही हैं आपके लिए. समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स. दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि ओके, फाइनेंशियली तो आप हेल्प करो दूसरों की, बट कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी की जो आप डोंट शेयर विद एनीबडी, राइट? बिकॉज आप हर्मिट मोड में हो, तो यू आर वेरी सीक्रेटिव, यू आर वेरी प्राइवेट अबाउट योर पर्सनल लाइफ. तो आई थिंक आप आगे ही वैसे ही रहने वाले हो, आप बिल्कुल प्राइवेट, सीक्रेटिव, अपने काम से काम रखना, आप बिल्कुल ऐसे रहोगे, बिकॉज यू फील कि समबडी विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स. सो अगर आपके दिमाग में ये फियर है, तो आप अपनी बातें शेयर मत करना विथ समबडी यू डोंट ट्रस्ट. दैट सिंपल. देन वी हैव एन एक्साइटिंग इवेंट. यस, समथिंग एक्साइटिंग गुड न्यूज़ जो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी, वो आपको सुनने को मिलेगी. आप दूसरों को सुनाओगे आप वो न्यूज़ अपने बारे में. सो या इट विल बी वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर यू. ग्रुप नंबर 9 एडवाइस देख लेते हैं. ग्रुप नंबर 9 के लिए एडवाइस. तो
सो वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. यस, कंक्लूजन आने वाला है. जो भी आपके सपने हैं उसके बिल्कुल करीब हो, आप कंक्लूजन आने वाला है. सो जस्ट लगे रहो, मेहनत करते रहो. देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. यस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ फाइनेंशियली, सब कुछ है आपके लिए. बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए. देन इमोशंस आर रनिंग हाई. सुपर मून का कार्ड है, सुपर लकी कार्ड है ये. तो आपके इमोशंस जो है वो दे आर टूवर्ड्स दी प्रॉफिट, दे आर टूवर्ड्स दी ग्रोथ. तो आपके इमोशंस काफ़ी हायर लेवल पे हैं इस टाइम. तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे फटाफट मैनिफेस्ट भी हो जाना है. सो मेक श्योर कि यू मैनिफेस्ट समथिंग पॉजिटिव, समथिंग प्रॉफिटेबल, समथिंग गुड इन योर लाइफ, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज हैं वो इस टाइम बहुत हायर लेवल पर अलाइन हो रही है. ओके, सो ग्रुप नंबर 9, लाइफ पाथ नंबर 9, ये है आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.